बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और टॉपिक हमारा चल रहा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यू लेवल तक पढ़ लिया, आज हम देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमिलरली जैसे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना रहे थे, आज हम देखेंगे कि टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। कुछ लोअर अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए, वो तो एक ही सेल से उनकी सारी मिलके बॉडी बन गई। कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन हायर में हम देखेंगे कि टिश्यूज़ मिलेंगे तो मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। ऑर्गन की एग्जाम्पल में हम देखेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं, मतलब वही टिश्यूज़ मिलेंगे जहाँ उस ऑर्गन को रिक्वायर्ड हैं। अगर हम इधर एग्जाम्पल है स्टमक की, तो स्टमक में ऐसे ही टिश्यूज़ होते हैं। स्टमक में दो टाइप के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल और मस्कुलर। मतलब वो टिश्यूज़ जो इसकी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर हैं। एपिथेलियल टिश्यू का काम यहाँ ये है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करे ताकि प्रोटीन के डाइजेशन करवाई जा सके। और मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ताकि स्टमक की वॉल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन के दौरान फूड को ग्राइंड करवाया जा सके। मतलब ऐसा कोई टिश्यू यहाँ नहीं है जिसका यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं है। तो ऐसे ही टिश्यूज़ जिनका रिलेटेड फंक्शन है वो आपस में मिलते हैं और मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। दूसरी साइड पर आपको स्टमक की डायग्राम दिखाई गई, यह एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे प्रेजेंट होता है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक, एसोफेगस से ऑनवर्ड हमारा स्टमक स्टार्ट होता है। एसोफेगस क्या है, एसोफेगस वो एक नाली है जो हमारे थ्रोट से लेके हमारे स्टमक तक हमारे फूड को पास करवाती है। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमिलरली ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। इन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन फंक्शन है वो हम स्टमक का है, लेकिन स्टमक अकेला काम नहीं कर सकता। हम देखेंगे कि जब तक हम ओरल कैविटी से स्टार्ट लेंगे, अगर आप खुद सोचें कि फूड डाइजेस्ट अगर स्टमक करवा रहा है तो उस दौरान और भी कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और हमारी ओरल कैविटी जिसमें हम खाना डालते हैं, मुँह हमारा वो है, उसके बाद एसोफिगल जो हमारे पास जो नाली थी एसोफिगस की वो है, उसके बाद बहुत से ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो डिफरेंट सिक्रीशंस देते हैं ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। तो ये सब मिलके एक पूरा एक सिस्टम जो है उसको रन कर रहे हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। इस डायग्राम में हमने क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स, एसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब इन्वॉल्व हैं, तो कहीं जाके डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये सब ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ने मिलकर एक कम्प्लीट फंक्शन को परफॉर्म किया है, इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है प्लांट्स के अंदर, ये ह्यूमन बींग सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो एनिमल्स हैं उसके अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ये पाया जाता है। अच्छा, इसको आपने सब इसमें से कुछ भी आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कर लेना है। आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेवल्स रह गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।